आज मैं बना रही हूँ कलमी साग की भुजिया देखिए कितनी खिली खिली और मस्त भुजिया बनी है तो हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गीता और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्पाइसी पाकशाला में अगर आपको भी ये साग पसंद है तो आप पूरी रेसिपी जरूर देखिए बहुत ही मस्त रेसिपी है तो ये है कलमी साग इस साग को सभी जानते हैं बट अलग अलग नामों से हमारे यहाँ पर तो इसे कोलमी साग बोला जाता है इसे कुछ लोग कलमी बोलते हैं नाड़ी साग भी बोलते हैं और करेमुआ साग भी बोलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है ये साग तालाबों के किनारों पे ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर भी पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे ये साग बहुत आसानी से मिल जाता है और मार्केट में भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है अभी सबसे पहले हम इनको साफ़ कर लेंगे तो इसकी जो ख़राब खराब पत्तियां हैं ना उनको हटा लेंगे और जहाँ तक टूटेगा हम तोड़ लेंगे इसकी कर, इसकी कच्ची कच्ची डंडियों को भी लिया जाता है तो इस तरह से पत्ते ख़राब वाले निकाल देंगे और कच्ची कच्ची डंडी जहाँ तक टूटता है तोड़ लेंगे तो इस तरह से मैं सारे साग साफ़ कर लूँगी अगर मेरे तरीके से बनाओगे ना तो घर में अगर किसी को साग पसंद नहीं है ना वो भी मांग मांग के खाने वाला है इतनी मस्त रेसिपी लगती है तो मैंने सारे साग साफ़ कर कर धो लिया है तो पहले साग को साफ़ कर ले उसके बाद धो ले फिर जाके काटे अगर काटने के बाद धोते हैं तो बहुत सारा जो साग है वो पानी में ही बह जाता है और एक स्टेनर में रख दें पाँच मिनट के लिए जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाएगा देखिए ये निकल गया ना एक्स्ट्रा सारा पानी तभी हमारी जो साग की भुजिया है ना बहुत ही खिली खिली बनेगी बिल्कुल गिलविली सी नहीं बनेगी तो इनको अब हम काट लेंगे मैं तो इस इस साग को मोटा मोटा ही काट लूँगी बट आप अगर चाहे तो बारीक बारीक भी काट सकते हैं ज़्यादा बारीक बारीक काटने से ये लुद्दी जैसा बन जाता है इसलिए मैं मोटा मोटा काट रही हूँ क्योंकि हमारे घर पर खिली खिली साग की भुजिया पसंद की जाती है आपके घर में जैसे पसंद की जाती है आप ऐसे बना सकते हैं तो फटाफट से मैं सारे साग को काट कर तैयार कर लूँगी ये साग है ना खाने में जितना टेस्टी होता है उससे भी ज़्यादा ये हेल्दी भी होता है तो मैंने साग काट कर तैयार कर लिया है तो तड़के में मैंने लिया है एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काट लिया है दो बारीक कटे हुए हरी मिर्च एक सूखी लाल मिर्च लिया है जिसे तोड़ लिया है टुकड़ों में और पाँच से छः लहसुन की कलियों को बारीक बारीक काट लिया है एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है और उसमें थोड़ा सा तेल डाला है और तेल को स्पैचुला की हेल्प से फैला देंगे पूरे कढ़ाई में जिससे साग चिपके नहीं और यहाँ मैंने डाल दिया है साग अगर आपकी छोटी कढ़ाई है और साग आपके बहुत ज़्यादा है तो आप दो बार में डाल सकते हैं पहले आधा साग डालकर गला लीजिए उसके बाद जैसे ही साग थोड़ा गल जाएगा बाकी का बचा हुआ जो साग है उसे डाल दीजिए तो इस तरह से एक ही कढ़ाई में आपके बहुत सारे साग आ जाएंगे तो सागों को पहले हम गला लेंगे थोड़ा सा और अभी गैस की आँच को तेज ही रखेंगे देखिए दो मिनट के अंदर ही हमारे साग जो हैं वो गल चुके हैं तो अब मैं डालूंगी इसमें नमक अगर आप पहले ही नमक डाल देंगे तो अंदाजा नहीं पड़ता है अगर आप थोड़ा गला के नमक डालते हैं तो अंदाज़ा सही पड़ता है इसलिए साग में हमेशा साग को पहले गला लें फिर नमक डालें तो मैंने यहाँ डाला है स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी गैस की आंच को धीमी कर देंगे और 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं साग का जो पानी है वो सारा सूख चुका है जैसे ही साग का पानी सूखता जाएगा साग कढ़ाई में चिपकता जाएगा और हमारे साग ना पक चुके हैं मैं आपको दिखाती हूं देखिए गल चुका है तो साग जब भी आप चेक करो तो उसकी जो डंडी होती है ना उसी को चेक करो अगर वो पक गया इसका मतलब है सारे साग पक चुके हैं तो अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूंगी फिर से कढ़ाई को धोकर गर्म होने के लिए रख दिया है जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो गई मैंने यहाँ दो चम्मच के करीब तेल डाल दिया है और डाल दिया है सूखी लाल मिर्ची और बारीक कटे हुए लहसुन और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे जैसे ही हमारे लहसुन थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया है प्याज और हरी मिर्च और अच्छे से हल्का सा सुनहरा होने तक भून लेंगे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे हल्का जैसे ही हल्का सा सुनहरा होगा बस इतना ही भूनना है अब डाल दूंगी साग और अच्छे से मिक्स कर लूँगी और गैस की आंच को मीडियम पे रखेंगे और इसको लगातार चलाते हुए भूनना है एक से दो मिनट साग तैयार हो गया है मैं गैस ऑफ कर दूँगी अब करते हैं इसकी प्लेटिंग देखिए कितनी खिली खिली साग की भुजिया बनी है और ऐसी साग की भुजिया बहुत ही मस्त लगती है आप चाहे चावल के साथ खाएँ चाहे आप रोटी के साथ खाएँ चावल के साथ खाएँ तो आप दाल भी साथ में लें तब ज़्यादा मजा आता है खाने में वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना जिससे कि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स टेक केयर